माध्य निकालना है। आज आप लोगों को सीखना है माध्य निकालना, कैसे माध्य निकाले जाते हैं। तो उसके लिए जो है हमें वर्ग अंतराल और बारंबारता की आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें वर्ग अंतराल और बारंबारता यहाँ पर लिए है, इसको जो है हमें माध्य के लिए जो है सारणी में परिवर्तन करना है। तो देखिए कैसे परिवर्तन करेंगे। तो इसके लिए जो है हमें यहाँ पर ऐसे बॉक्स बनाना होगा एक, एक ऐसे करके बॉक्स बनाना होगा। उस बॉक्स में जो है यहाँ पर ऐसे ऐसे और ऐसे बॉक्स बनाना होगा माध्य निकालने के लिए। तो उसमें जो है यहाँ पर ऐसे हम एक लकीर दे देंगे, उसमें लिखेंगे वर्ग अंतराल। क्या लिखेंगे? वर्ग अंतराल लिखेंगे पहले बॉक्स में। दूसरे में लिखेंगे यहाँ पर बारंबारता। क्या लिखेंगे? बारंबारता, यानी बारंबारता को जो है एफ कहते हैं, यानी एफ। इसमें लिखेंगे वर्ग चिन्ह लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वर्ग चिन्ह, यानी एक्स उसको कहा जाता है। और इसमें जो है गुना करेंगे एफ को एक्स को, यानी बारंबारता और वर्ग चिन्ह को गुना, यानी एफ एक्स, एफ एक्स देंगे उसमें। अब जो है इसमें हम लिखेंगे क्या? वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल क्या? ऊपर वाले जो है ये है वर्ग अंतराल। देखिए जीरो से दस, वर्ग अंतराल है जीरो से दस, दस से बीस, बीस से तीस, तीस से चालीस, जैसे वैसे लिख लेंगे। चालीस से पचास और पचास से साठ, यानी पचास से साठ तक जो है वर्ग अंतराल इसमें है। इसके बाद जो है नीचे में, यानी विद्यार्थी की संख्या, इसको हम कहेंगे बारंबारता। क्या कहेंगे? बारंबारता। तो इस बारंबारता में जो हम लिख लेंगे बारंबारता, पहले बारह है तो यहाँ पर बारह, अठारह, सत्ताईस, बीस, सत्रह, छह, ये हो गया इतना। अब जो यहाँ पर तक जो है सिंपल था, जो थे उसी को हम यहाँ पर लिख दिए। यानी अब इसमें निकालना है हमें वर्ग चिन्ह, यानी वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे वो देखिए। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए जो है, यानी बारंबारता को हमें क्या करना होगा? जोड़ना होगा, जोर करके अब दो से हम करेंगे भाग, और भाग करेंगे तो निकल जाएगा क्या? वर्ग चिन्ह, यानी एक्स का मान। तो यहाँ पर देखिए दस है इसमें, यानी जीरो से दस है, तो जीरो और दस को हम जोड़ेंगे कितना होगा? जी दस होगा। यहाँ पर लिखेंगे दस बटा कर दिए टू, यानी दो पंचे दस, यानी पांच हो गया। इसके बाद बीस और दस, यानी दस से बीस है, तो दस और बीस को हम जोड़ेंगे तो होगा तीस, यानी तीस बटा हो गया टू, यानी कट गया कितने बार में? पंद्रह। ऐसे बीस से क्या है? तीस, तो बीस तीस कितना होगा? पचास। बीस तीस कितना होगा? पचास। लिख देंगे पचास बट्टा टू, इसको फिर हम कर देंगे भाग, दूसरे पचास में भाग करेंगे होगा पच्चीस। फिर इसमें जोड़ेंगे तीस से चालीस है, तो तीस और चालीस को जो है हम जोड़ लेंगे, तो तीस चालीस कितना होगा? सत्तर। तीस चालीस सत्तर, तो यहाँ पे देंगे सत्तर बट्टा कर देंगे टू, काट देंगे तो हो गया ये पैंतीस। फिर इसमें चालीस और पचास को हम जोड़ गया, क्योंकि है इसमें चालीस से पचास है ना, तो चालीस पचास कितना होता है? नब्बे। तो यहाँ पर देंगे हम नब्बे बट्टा टू, तो उसको कट गया कई बेर में? पैतालीस बेर में। फिर है यहाँ पर पचास, यहाँ पर है साठ, पचास और साठ को हम जोड़ेंगे तो होगा एक सौ दस। कितना होगा? एक सौ दस बटा हो गया टू, कट गया कितने बेर में? पचपन बेर में। यानी ये निकल गया वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए क्या करना होगा? यानी जो वर्ग अंतराल है उस अंतराल को हमें जोड़ करके और दो से जो है ना भाग करना होगा, निकल जाएगा क्या? वर्ग चिन्ह। क्या निकलेगा? वर्ग चिन्ह। तो ये वर्ग चिन्ह निकल गया, एक्स का मान जो है यहाँ पर निकल चुका है। यहाँ पर हमें निकालना है एफ एक्स, यानी क्या कहते हैं एफ और एक्स, यानी एफ एक्स के बीच में यहाँ गुना का चिन्ह होता है ना, यानी एफ के मान को और एक्स के मान को हमें करना होगा गुना। क्या करना होगा?
गुना, तो यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 5 है, 12 5 को गुना करो कितना होता है, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60 होता है। फिर यहाँ पर 18 और यहाँ पर है कितना 15, तो 18 और 15 को गुना करेंगे कितना होगा 270, कितना होगा 270। फिर यहाँ पर 27, यहाँ पर कितना है 25, 27 और 25 को गुना करेंगे तो होगा 675, तो यहाँ पर देंगे 675, कितना हो गया 675। फिर यहाँ पर 20, यहाँ पर है 35, सामने सामने वाले सभी को लेना है, तो 20 और 35 को हमें करना है फिर गुना, तो 20 और 35 को गुना करेंगे तो होगा 700, कितना होगा 700। फिर यहाँ पर 17, यहाँ पर है 45, 17 45 को गुना करेंगे कितना होगा 765, यहाँ पर देंगे 765। फिर यहाँ पर 6, यहाँ पर है 55, 6 और 55 को गुना करेंगे, 6 और 55 को गुना करेंगे तो होगा 330, तो यहाँ पर देंगे 330। सिर्फ गुना करके लिखना है इसको इसको, यानी 12 यानी एफ के और एक्स के मान को जो है ना सभी में हम गुना करके लिख दिए, निकल गया एफ एक्स का मान, क्या निकल गया एफ एक्स। और यहाँ पर हमें करना क्या होगा सो अब देखिए, जितना एफ एक्स का मान है यहाँ पर हमें जो है सभी को एड करके लिखना होगा, यानी जोड़ करके लिखना होगा इसको। यहाँ पर हम लिखेंगे ऐसे ऐसे उल्टा जो है डब्लू लिख देंगे, इसको कहेंगे सिग्मा, क्या कहेंगे सिग्मा, और इसमें एफ एक्स है ना, तो एफ एक्स यानी सिग्मा एफ एक्स ये हो गया, और सभी को उसमें जोड़ लेंगे, क्या कर लेंगे जोड़ेंगे। तो ये इतना को हम अगर जोड़ते हैं तो होता है 2800, यानी 2800, कितना होता है 2800 होता है, यानी 2800। फिर हमें जो है एफ के मान को सभी को जोड़ना होगा, यानी बारंबारता कितना है, कुल बारंबारता को हमें जो है ना जोड़ना होगा, इसको कहेंगे सिग्मा एफ, क्या कहेंगे सिग्मा एफ। तो सभी को जो हम जोड़ेंगे यानी बारंबारता में जितने भी अंक है सभी को जोड़ेंगे तो कितना होगा 100, कितना होगा 100, यहाँ पर हम कुल जोड़ लिए ये हो गया 100, समझ गया, यानी सिग्मा एफ एक्स का मान हो गया 2800, सिग्मा एफ का मान हो गया 100। यहां तक जो हो गया सभी को, अब हमें निकालना है माध्य बराबर, तो यहां पर लिखेंगे देखिए माध्य, माध्य बराबर, तो माध्य बराबर जो है सूत्र होता है यानी फॉर्मूला जिसको कहते हैं, यहां पर होगा सिग्मा एफ एक्स, क्या लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ, यानी माध्य बराबर सूत्र क्या होता है सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ, तो लिखेंगे माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स का मान कितना हो गया 2800, कितना हो गया 2800, तो यहाँ पे लिखेंगे 2800 बट्टा बट्टा है ना सिग्मा एफ, सिग्मा एफ का यानी बारंबारता को जोड़ के कितना हुआ है 100, कितना हुआ है 100, तो यहाँ पे देंगे हम 100 बट्टा, यानी देखिए तो 00 से 00 क्या हो गया यहाँ पर कट गया, क्या हो गया कट गया, एक से अगर हम 28 भाग देंगे क्या होगा 28 होगा, यहाँ पर लिखेंगे माध्य बराबर 28 आंसर, माध्य का मान कितना हो गया 28। ये वीडियो जो है सभी को अच्छा लगा होगा, अगर हमारे वीडियो ये अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, फिर हम मिलेंगे आप लोगों से अगले वीडियो में, जय हिंद जय भारत।